अक्सर विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे अभी तक चर्चा में है। बीते दिनों उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। बाद में ये हवाला दिया कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर देश में जागरूकता के लिए ये कदम उठाया था। हालांकि इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनकी खूब किरकिरी हुई। सेलेब से लेकर आम जनता तक ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। खैर, इसके बाद ये बावड़ी के पूनम पांडे को सरकार के कैंसर जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। बात ये भी फैली कि बहुत ही जल्द ये ऐलान हो जाएगा, बातचीत चल रही है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का आखिर सच क्या है। दरअसल हर तरफ ऐसी खबरें फैल रही हैं कि बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे को मोदी सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इस खबर के फैलने के बाद अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद पूनम पांडे को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता की ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा रहा है। पूनम के ब्रांड एम्बेसडर बनने की अफवाहों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बयान उस समय सामने आया है जब कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता राष्ट्रीय अभियान का चेहरा बनाए जाने की संभावना है। कहा जा रहा था कि पूनम पांडे की टीम और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच इसको लेकर लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है। ऐसे में अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले की सच्चाई बताते हुए कहा है कि अभिनेत्री पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर का जागरूकता फैलाने के मोदी सरकार के राष्ट्रीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।